फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। देखिए, लॉ कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, अगर सौरिन उसे बनाता है और सौरिन बोलता है कि ये लॉ आपको फॉलो करना है, तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर लॉ। ये बोला था जॉन ऑस्टिन ने इन हिज कमांड थ्योरी। सो टुडे विल डिस्कस जॉन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी फ्रॉम एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म। दिस इज डॉक्टर बंसोड़े एंड अगेन आई वेलकम टू ऑल यू टू माई चैनल। सो लेट्स अंडरस्टैंड जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ कमांड फ्रॉम एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म। नाउ देखिए, लॉ जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, या देर आर टू बेसिक डिविजन्स ऑफ लॉ, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक होता है लॉ ऑफ गॉड और दूसरा होता है लॉ ऑफ ह्यूमंस। सो एक तो जो भगवान ने जो लॉ दिए है वो है, और दूसरे जो ह्यूमन बीइंग्स जो लॉ बनाते हैं उस वो है। तो ये दो डिविजन है लॉ के। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ गॉड फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। बट जहाँ तक हम लॉ ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं, जिसे फिर से हम दो कैटेगरीज में देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑस्टिन, दैट इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिसे हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं, एंड दूसरा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। नाउ जब हम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द लॉ विच सेट बाय द सोवरेन अथॉरिटी और सुपीरियर अथॉरिटी। इट मे बी अ पॉलिटिकल सुपीरियर हु सेट द लॉ फॉर द पॉलिटिकल सबऑर्डिनेट, और देयर कैन बी अ प्राइवेट पर्सन हु इज हैविंग अ वेरी लीगल राइट टू गिव द कमांड टू अनदर पर्सन हु इज अंडर ऑब्लिगेशन, अंडर द ड्यूटी ऑफ दैट सुपीरियर प्राइवेट पर्सन। जैसे हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि फादर को ये राइट होता है कि वो बच्चों को कमांड दे एंड बच्चे उस कमांड को फॉलो करते हैं, तो ऐसे मैनर में वो पॉजिटिव जो लॉ है वो हम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड से अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड इस नाम से जानी जाती है, जिसमें कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी उस लॉ को सेट नहीं करता है, उसको नहीं बनाता है। क्लब के लॉ है, लॉ ऑफ क्लब्स, लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेस, ये इस कैटेगरी में हम रीड करते हैं। नाउ इसमें जो पॉजिटिव लॉ है, जो ऑस्टिन की थ्योरी का बेस है, उसके बारे में हम और एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नाउ बिकॉज ऑस्टिन सेज दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन, सॉवरिन वो होता है जो सुपीरियर होता है, जो एक सुपीरियर अथॉरिटी से कमांड देता है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज नथिंग बट द कमांड ऑफ द सॉवरिन हु इज अ वेरी सुपीरियर एंड सुपीरियर अथॉरिटी ही इज होल्डिंग। वो कमांड जो होती है वो हमेशा सैंक्शन के साथ होती है। सो लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। इफ पीपल्स दे आर नॉट ओबेइंग दैट कमांड, देन दे हैव टू अंडरगॉन द पनिशमेंट, पनिशमेंट दैट इज अ सैंक्शन। ये ऑस्टिन की एक बेयर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द लॉ, एंड ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉ इन हिज थ्योरी इन दिस मैनर। नाउ इसमें चार एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला तो है सॉवरिन जो कमांड देता है, दूसरा है द वेरी कमांड इट्सेल्फ, तीसरा है
द ड्यूटी और द ओबीडियंस एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज द सैंक्शन. ये चार इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑस्टिन की थ्योरी के. नाउ जब हम इस थ्योरी को ही देखते हैं या पॉजिटिव स्कूल को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव स्कूल इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ स्कूल. क्योंकि नेचुरल लॉ जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डिवाइन रीज़न, कि जिसमें अनसर्टनटी है, वेगनेस है, ये सारे ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ऑस्टिन ने ये फिलॉसफी अपनी दी है. और इसलिए जब इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को, थ्योरी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑस्टिन ने कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज़ अ वेरी आंसर टू द ड्रॉबैक्स वॉट एवर लेफ्ट बाय द नेचुरल लॉ स्कूल. जैसे ऑस्टिन बोलते हैं कि सॉवरिन जो होता है वो डिटर्मिनेट ह्यूमन अथॉरिटी होना चाहिए कि जो कमांड दे रहा है. अभी ये डिटर्मिनेट ह्यूमन अथॉरिटी का मतलब है देयर शुड बी अ ह्यूमन पर्सन हु कैन गिव द कमांड. ऑस्टिन यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं कि देयर मस्ट बी अ ह्यूमन पर्सन, अ डिटर्मिनेट ह्यूमन पर्सन हु इज गिविंग दैट कमांड एंड दैट कमांड इज इटसेल्फ अ लॉ. देन ऑस्टिन एम्फसाइज करते हैं कि जो सॉवरिन अथॉरिटी होती है वो सॉवरिन अथॉरिटी हमेशा सुप्रीम होनी चाहिए. एंड सो ही सेड दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन. सॉवरिन द पर्सन हु इज नॉट कंट्रोल बाय एनी वन. एंड सो यू कैन से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थ्योरी ऑफ ऑस्टिन व्हेन ही सेज दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन. नेक्स्ट व्हेन वी अंडरस्टैंड सॉवरिन वी सेड कि भाई ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है, इसके पास पावर होती है. ये बंदा जो है डिटर्मिनेट है. डिटर्मिनेट का मतलब ये पेसिफिक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है. वी कैन ट्रस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉवरिन, द आइडेंटिटी ऑफ दैट सॉवरिन. एंड सो दैट सॉवरिन मस्ट बी अ डिटर्मिनेट सुपीरियर अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन. So President of India we can identify that there is a one President of India. And so sovereignty can be identified from that particular angle which is according to Austin the superior authority who can give the command. So he emphasized on the such human authority who is a very specific. According to Austin जो भी कमांड, जो भी लॉज सुपीरियर या सॉवरिन देता है उसका एप्लीकेशन इन जनरल होना चाहिए. सो जनरल एप्लीकेशन ऑफ लॉ मस्ट बी देयर इन दैट लीगल सिस्टम. नेक्स्ट ऑस्टिन एम्फसाइज करते हैं ऑन द सैंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सैंक्शन इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ. एंड सो इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ थ्रेट भी बोला जाता है. सैंक्शन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है ऑफ लॉ. और सैंक्शन का मतलब ऑस्टिन यहाँ पे लेते हैं पनिशमेंट. तो ओबीडियंस के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है. तो लोग अगर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिश करना पड़ेगा. और इसी के लिए इस थ्योरी को थ्रेट थ्योरी भी बोला जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ सैंक्शन लोग ओबीडियंस या फिर वहाँ पे लोग उस लॉ को ओबे करना, फॉलो करना, ये हम देख सकते हैं. इसलिए ये ऑस्टिन की थ्योरी का एक इसेंशियल कंसेप्ट माना जाता है. नब यहाँ तक हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. क्योंकि ये थ्योरी जो है वो आज की डेट में एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंसेप्ट जितने डेवलप हुए हैं उसमें ऑस्टिन की थ्योरी एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है.
एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, जहाँ तक आज के डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, फर्स्ट द वेरी कंसेप्ट ऑफ सॉवरिन और द सॉवरिनिटी, बिकॉज नाउअडेज वी आर सीइंग दैट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये ऐसे ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है जो काम करते हैं, इवन द लेजिस्लेचर इन अ फेडरल स्टेट वी आर अंडरस्टैंडिंग विच इज़ डिवाइडेड, एंड सो द सॉवरिनिटी इज स्पिल्टिंग इन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसको इंटरनेशनल मोरालिटी समझते हैं. बट आज की डेट में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पॉपुलर है. इंटरनेशनल लॉ एक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग फिनोमिना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑस्टिन जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं, वो लॉ आज की डेट में एक नेसेसिटी है फॉर द ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो हम डिनाई नहीं कर सकते. तो इस ग्राउंड पे भी ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. ऑस्टिन जब बोलते हैं कि देर इज़ अलवेज नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंक्शन, पनिशमेंट, तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो विदाउट एनी फियर ऑफ सैंक्शन और पनिशमेंट लोग उसे ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं. जैसे फैमिली लॉज हो सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज़ अ चॉइस ऑफ पर्सन और द पार्टीज हु आर कमिंग इन द दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो वहाँ पे फियर या फिर वहाँ पे पनिशमेंट है इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है. तो इस ग्राउंड पे भी ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. इन ब्रीफ, ये एक बेसिक आइडिया है अबाउट द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ कमांड फ्रॉम एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म. आई होप ये आपको इन शॉर्ट एक अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट द थ्योरी ऑफ कमांड गिवन बाय द ऑस्टिन. यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना. तो यहाँ पे हम आज के लिए स्टॉप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.